नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। जी हां, पे से 21 अक्टूबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक माह और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के साथ एयरपोर्ट्स का किया उद्घाटन, इनमें 6100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 5 राज्यों के साथ एयरपोर्ट से जुड़े 6100 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, एमपी के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का भी उद्घाटन भी शामिल है। वहीं इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, अस्पतालों में हुआ नया सिस्टम लागू। अस्पताल में इलाज करने वालों के लिए लागू हुआ नया नियम, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। नियमों में बदलाव से अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज मिलता रहेगा। बता दें कि प्री अप्रूवल प्रोसेस से नॉन नेटवर्क अस्पतालों में अब आप कैशलेस इलाज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्री ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। जेब से खर्च से बचने के लिए एक जरूरी कदम है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले या फौरन बाद आपको या अस्पताल को बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए, जो ट्रीटमेंट प्लान और अनुमानित लागत की समीक्षा करेगी। दरअसल अस्पतालों में अब ये नया नियम लागू हुआ है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। नियमों में बदलाव से अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज मिलता रहेगा, यानी पेमेंट जमा करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरों की, और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, टीना डाबी की दोस्त आईएएस अर्तिका शुक्ला पर खास जिम्मेदारी, सड़क हादसों में कमी लाने की मिली कमान। राजस्थान की आईएएस अधिकारी अर्तिका शुक्ला को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की जिम्मेदारी मिली है। वो स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग के साथ कार्य करेगी और एक्सप्रेसवे पर अवैध वाहनों पर नजर रखेंगी। शुक्ला ने दुर्घटनाओं के विभिन्न पॉइंटों का भी निरीक्षण किया है। अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, जोधपुर पुणे के बीच चलेगी दीपावली स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने दीपावली के अवसर पर जोधपुर और पुणे के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 25 अक्टूबर से चलेगी और दोनों दिशाओं में चार फेरे करेंगी। इससे यात्रियों को राजस्थान से आने जाने में सुविधा होगी। ट्रेन का पूरा शेड्यूल और स्टॉपेज भी रेलवे ने जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, 10% बोनस अंक का खेल, आरयूएसएस में नर्सिंग कर्मियों को संविदा पर लगाने का ठेका 1 पैसे में उठा, कंपनी को 1 कर्मी पर 93 पैसे मिलेंगे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, जिस काम के लिए मिनिमम सर्विस चार्ज 3.85% मिलना तय है, लेकिन उसका ठेका कोई 1 पैसे पर लेने को तैयार हो जाए और उसे मिल भी जाए, ऐसा मामला आरयूएसएस में सामने आया है। यहां नर्सिंग स्टाफ को लगाने के लिए निकाली गई निविदा में उस कंपनी को ये काम मिला है, जिससे मैच 0.01% का सर्विस चार्ज पड़ा है, यानी प्रति संविदा कर्मी कंपनी को प्रतिदिन मैच 1 पैसा मिलेगा, जो 1 माह का 93 पैसा होता है, जबकि केंद्र के नियमों के अनुसार 1 कर्मी का 1 दिन का मिनिमम सर्विस चार्ज 3.85 रुपये होना चाहिए, यानी महीने के 359 रुपये। ऐसे में कंपनी द्वारा संविदा पर लगाए जाने की वसूली करती है, यहाँ तक कि ड्यूटी में भी गड़बड़ियाँ की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, सीएम अजला शर्मा बोले, जनता के बीच काम करने वालों को टिकट दिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बोले, पहले होटल में कैंप करने वाली सरकार थी, इसीलिए निवेशकों ने पैसा नहीं लगाया। सीएम ने प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि उन्हें टिकट दिया गया है, जिन्होंने जनता के बीच में रहकर काम किया। दरअसल सीएम ने रविवार को राइजिंग राजस्थान समिट के लिए जर्मन यूके की यात्रा पूरी करके वो जयपुर पहुंचे थे। बीजेपी मुख्यालय में भी स्वागत और सभा का कार्यक्रम रखा गया। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पहले होटल में कैंप करने वाली सरकार थी, इसीलिए यहाँ निवेशक अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने कहा कि हमने सभी से तय करके टिकट की घोषणा की है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन प्रत्याशियों को हमने टिकट दिया है, ये वे हैं जिन्होंने जनता के बीच रहकर काम किया है। इन सभी सीटों पर दूसरी पार्टी के विधायक थे, हमने यहाँ भी काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। अगली बड़ी खबर, दीपावली से पहले आवारा पशुओं के खिलाफ नगर निगम का अभियान, 6 कॉलोनियों से पकड़ी 88 गोवंश, एक अवैध डेयरी को किया ध्वस्त।
जयपुर में आवारा पशुओं की बढ़ते आतंक को कम करने के लिए नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। दीपावली से पहले नगर निगम हेरिटेज की टीम ने कार्रवाई करके शहर के आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों से 80 से ज्यादा गोवंश को पकड़ के हिंगोनिया गौशाला पहुंचाया। इसी दौरान अवैध डेयरी संचालकों और नगर निगम के कर्मचारियों में बहस भी हो गई, जिसे स्थानीय पुलिस ने समझाइश करके शांत करवाया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में दीपावली पर पड़ सकती है कड़ाके की सर्दी। माउंट आबू और सीकर में रात का तापमान गिरा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दिखेगा असर। राजस्थान में रात को सर्दी बढ़ने के साथ अब दिन में गर्मी का असर भी थोड़ा कम होने लगेगा। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर में दिन के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। सीकर और माउंट आबू में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। सेकाउटी एरिया में रात का तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली बर्फबारी का असर प्रदेश में दिखेगा। ऐसे में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से राजस्थान में सर्दी जोर पकड़ेगी। राजस्थान में अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र ने 24 अक्टूबर तक राजस्थान में आसमान साफ रहने और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लिए दीपावली इस साल 25,000 रुपए होगी महंगी। 25% महंगे हुए सोने चांदी के सिक्के, काजू कतली, पूजन सामग्री के भी बड़े दाव। दीपावली फेस्टिवल का सबसे सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बार महंगाई की दोहरी मार दीपावली का खर्चा पिछली बार से 1.5 गुना तक बढ़ाने वाली है। चाहे वो राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाइयों की बात हो, या दीपावली पर घर की सजावट की हो, या फिर धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी की क्यों ना हो, यहाँ तक कि इस बार धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी पूजा सामग्री में भी ज़्यादा खर्च आने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NCO ने महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, हरिद्वार और ऋषिकेश और अयोध्या के लिए 22 अक्टूबर को होगी रवाना ट्रेन। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी जॉयबान से हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या ट्रेन 22 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे जॉयबान रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। योजना की इस यात्रा में जॉयबान रेलवे स्टेशन से 250, अजमेर रेलवे स्टेशन से 250 और जयपुर रेलवे स्टेशन से 225, कुल 725 यात्री यात्रा में सवार होंगे। अगली बड़ी खबर, अवैध वसूली करने वाले पार्किंग ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई, मेयर ने दी चेतावनी। कुसुम यादव बोली, जनता के साथ लूट नहीं करूंगी बर्दाश्त। जयपुर में लगातार आम जनता के साथ पार्किंग के नाम पर की जा रही सौत वसूली को रोकने के लिए अब नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जाएगा। हेरिटेज मेयर कुसुम यादव ने चेतावनी दी कि आम जनता द्वारा पिछले लंबे वक्त से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी। इसे रोकने के लिए अब नगर निगम क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अगली बड़ी खबर, भाजपा से टिकट नहीं मिला तो फूट फूट कर रोने लगे प्रत्याशी। प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद बगावत, मोबाइल टावर पर चढ़कर कार्यकर्ता ने दी आत्मदाह की धमकी। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 में से 6 सीटों पर शनिवार रात को अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़े 5 प्रत्याशियों को बदल दिया है। विधानसभा चुनाव में 2 सीटों रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर बगावत करने वाले प्रत्याशियों सुकंत सिंह और राजेंद्र बाम्बू को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद इन दोनों सीटों पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे जय आहूजा और बबलू चौधरी ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं सरूमर विधानसभा सीट पर भाजपा ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को टिकट दिया है। यह टिकट के प्रमुख दावेदार नरेंद्र मीणा ने बगावत शुरू कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, जैसलमेर बाड़मेर में सबसे आखिरी में दिखा रात का उसांद। जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित कई शहरों में दिखा चंद्रमा। सुहागिनों ने अर्घ्य होकर पूरा किया व्रत। राजस्थान के विभिन्न शहरों में रविवार रात चंद्रमा 30 मिनट तक देरी से दिखा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर सहित तमाम जिलों में शाम होते ही सुहागिनें सतों पर पहुंच गई थी। पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाओं ने चंद्रमा का दीदार कर अर्घ्य दिया और व्रत को पूरा किया। इससे पहले करवा चौथ की पूजा करने और कथा सुनने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई थी। वहीं जयपुर में 8:26 पर चंद्रमा का दीदार हुआ। इसी दौरान 800 महिलाओं ने एक साथ करवा चौथ का व्रत है खोला है और सांझ को देखा। अगली बड़ी खबर, सीआर भर्तियां आचार संहिता में अटकी। सैन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती लेवल 2 और LDC की परिणाम के लिए मांगी अनुमति। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव ने भर्तियों का गणित बिगाड़ दिया है। अब निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना न तो कोई नई भर्ती निकाली जा सकती है और न ही किसी भर्ती का परिणाम जारी किया जा सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ही सीआर भर्तियां और 2 प्रमुख परीक्षाओं के परिणाम आचार संहिता के दायरे में आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, बल्ले बल्ले बढ़ सकता है राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का DA और DR। आगे बड़ा अपडेट,
सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी लागू होने पर सातवें वेतनमान के दायरे में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का डीए और डीआर 53% हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की सरकार ने डीए और डीआर बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि केंद्र की तरह ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ोतरी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, सुरक्षित होगा सफर। ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आएंगी, साथ ही रेलवे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा असामाजिक तत्वों को भी बदमाशी से रोका जा सकेगा, रेलवे इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर, सीईटी समान पात्रता परीक्षा को लेकर आ रही है, कल से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बता दें कि पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 22 से 24 अक्टूबर तक होगी। इसमें अब 22 अक्टूबर से 5 दिन तक लगातार रोडवेज बसों के अंदर परीक्षार्थी अर्थात अभ्यर्थी फ्री में यात्रा कर सकेंगे, बसों की छत पर नहीं बैठ सकेंगे। बता दें कि परीक्षार्थियों से बस की छत पर बैठकर यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने परीक्षार्थियों से आयोग के प्रवेश पत्र पर अंकित दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनकी पालना के लिए भी अपील की है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र पर दिशा निर्देश अनुसार प्रथम पारी में 8 बजे तक और द्वितीय पारी में 2 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 25 फटाफट बड़ी खबरें हैं।